क्यों नहीं, अरे चलो ना। ट्रेन चल रही है। अबे चाय फेंकनी है, पीनी नहीं। ओके। चलो नेल पॉलिश वाले पहलवान आ जाओ, तुम्हारी बारी। अरे मेरा हाथ फंस गया है। फंस गया? हाँ देखिए ना। अरे यार कैसे निकालूं? अबे रुको। खिड़की टूटी तो पैसे ले लूंगा मैं। अबे कहे कि हमारा हाथ फंस गया है। धन्यवाद बचा लिया। धन्यवाद। मिस माला, यू आर अंडर अरेस्ट। धर लो। नहीं मैडम, मैडम मैं बेकसूर हूँ। मैं माला, खो गया मेरे कान का बाला, रस्तों की किसी की टांग तोड़ दूंगी। मैं बेकसूर हूँ मैडम। अरे ऐसे कैसे बेकसूर हो? एक तो बेचारा, मतलब एक तो है ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है इस कॉन्टेस्ट के लिए, हाथ ही टूटे हुए इसके। दूसरे का हाथ अटक गया, इतना जाड़िया हो रहा है यो। अरे बची तुम, अब ये इसको धरो यार, चलो केस खत्म। Well, पता चल गया इस कांड के पीछे कौन है इन्वॉल्व, इस द केस हो गया है सॉल्व, इस द है। अरे दादाजी आप कमाल कर रहे हैं, अरे केस कैसे सॉल्व हो गया? यहाँ हमारा खानदानी रुमाल अभी तक मिला नहीं और आप कह रहे हैं कि केस सॉल्व हो गया है टेंशन में है? अबे तुम्हारा खानदानी रुमाल से ना बच्चे नाक पहुंच रहे हैं। अबे कौन पड़ा तुम्हारा खानदानी रुमाल? रुमाल ढूंढेंगे हम, निकाल बाहर करो इन्हें। चल चलो पापा, निकले यहां से। चलो पापा, मैं भी चलूं भैया। काय का भैया? चलो तुम दोनों जाओ, इधर आओ आंटी। चलना चलना, मैं कॉफी पी लूंगा। अबे हट। कुछ नहीं किया मैडम। चाय टेस्टी थी। कौन से सेल में रहना पसंद करेंगे? एक में सांप है, एक में जो है चूहा मोटा वाला। मुझे माफ कर दो मैडम। मिस चौटाला। सर आप अचानक मन्ने बुला लेते फोन करके। मिस चौटाला, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप इन लोगों की कुछ मदद नहीं कर रही हैं? इनकी? अरे सर इनका फालतू सा रुमाल रुमाल का केस है। अरे वो रुमाल नहीं था। तो क्या था, पैंट शर्ट का कपड़ा था? ऐसी बातें कर रहे हैं सर, यो आप छोड़ के गए। क्या हो रहा है ये? जीजा मुझसे ये बहुत काम करवाते हैं। ओ ओ चाचा, जरा घर पे आके मिलना, हाँ देखता हूँ तेरे को मैं। अरे वो हमारा खानदानी रुमाल था और उसका मिलना बहुत जरूरी है। अरे इसीलिए तो मैं गुल्लू को अपने साथ लेके आया हूँ टेंशन में। ओह माय गॉड सर, आपका नाम है गुल्लू इज़्ज़ा? अगर मेरा ऐसा नाम होता तो मैं डूब मरता इन गुल्लू इज़्ज़ा। मिस चौटाला, वो कहे कि ये हमारे बचपन के दोस्त हैं सर। वो कहते हैं ना कि हम नवाला हम प्याला। और हम चाहते हैं कि आप हमारी खातिर इनकी मदद करें सर। ओके चलो पिल्लू। हाँ गुल्लू। पापा आज कुछ अलग आवाज निकाली मैडम पापा ने। अबे खंडरात, गई नौकरी थारी और अपनी भी ले, हमारी भी लेट हुएगा एक दिन। अब करो रुमाल का केस सॉल्व। कमिश्नर साहब तो गुल्लू निकले। ओह ये गुल्लू एंड बिल्लू, सही है खानदान। पागल है थारा जीजा, पागल पागल। दीदी तो बोल दूंगा। आइए आइए मैडम, दर्द दरिंदा है। Well, हुदा युदा आरिंदा, गोपी को चाहता है गोवा से लेके बिहार इज़्ज़ा है। ना ना गलत फहमी है यो, कुछ नहीं।
मैडम मुझे FIR लिखवानी है। क्या है कि मेरी जम के धुनाई हुई है, एकदम लिटा लिटा के, घसीट घसीट के, वो भी एक धोबन ने मैडम की है मेरी पिटाई, वो भी जो कपड़े धोने वाला लट्ठा होता है ना, उससे बिल्कुल अंगूठा और पजामा समझ के मुझे पीटा है। अरे यार अभी हमें जो है रुमाल का केस सॉल्व करना है, तुम यहाँ पजामा अंगोछा बोल रहे हो याद नहीं आ? रुमाल? अरे रुमाल की वजह से ही तो हुआ मेरी लाइफ में ये बवाल। दर्द तरिंदा मैडम। वेल व्हाट द यू द मीन इज द चाय के साथ अच्छी लगती है कोटा की नमकीन इज द। मैडम दरअसल बात ये है कि मैं कल महाकौशल एक्सप्रेस में सफर कर रहा था, तो मैं बाहर दरवाजे पे जाके दातुन कर रहा था, अचानक एक रुमाल मेरे मुंह पे आके चिपक गया, कुछ दिखाई दिया नहीं, जजमेंट हुआ नहीं, इसलिए मैं अंदर बोगी में जाने की बजाय बाहर दरवाजे की ओर निकल गया, और ट्रेन उस वक्त एक पुल से जा रही थी। उसके बाद मेरे साथ क्या गुजरी मैडम ये मत पूछिए, दर्द दरिंदा है। ऐसे के नहीं, हम पूछेंगे, बताओ फिर क्या क्या हालत हुई तुम्हारी, क्या हुआ? मैडम मैं सीधा ट्रेन से निकल के नीचे नहर में किनारे पे जा गिरा, जहां एक धोबन कपड़े धो रही थी और उसने कपड़ों के साथ साथ मुझे भी धो डाला। तू ये कौन सी बोगी में ट्रैवल कर रहा था महाकौशल एक्सप्रेस में? S6 मैडम S6 और S5 में वो चिंतित चटर्जी था मैडम, उसके हाथ से रुमाल निकला और वो ही रुमाल जाके इसके चेहरे पे लगा मैडम। सेम वो रुमाल कहाँ पे? रुमाल वो रुमाल भी मेरे साथ नहर में गिरा था और धोबन ने उसे अपने गले में बांध के ही मेरी पिटाई की। हाँ चलो कोई बात नहीं, इसका करवाओ जरा मरहम पट्टी और धोबन ने चौकी में बुलाओ, लोकेट करो उसे और ये रुमाल बरामद करो। ये और आप शाम को घर आओ। क्यों? जीजू ने बुलाया ना। धोबन आ गई। बोलो साहब, आपने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया? शादी नहीं करूंगी। हाँ तो मत करो ना शादी, शादी करने के लिए थोड़ी बुलाया है तुम्हें। तो क्या राखी बांधने के लिए बुलाया? शादी नहीं करूंगी। Well baby, what is the name is the Ahmedabad में traffic jam is the। मैं हूँ रेनू टकाटक, कपड़े धोती हूँ चकाचक। हाँ और इंसानों को भी धो रही हो तुम चकाचक। क्या मतलब? जो भी बोलना जल्दी बोलो। हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ नहर पे कपड़े धोने मुझे। वाल धोबन, तुमने की इसकी तुड़ाई इज्दा, कल सारा दिन मैंने छत पे पतंग उड़ाई इज्दा। अच्छा तो तू यहाँ भी आ गया। मैं रेनू टकाटक कपड़े धोती हूँ चकाचक, इसकी तो मैं कपड़े की तरह धुलाई कर दूंगी। शिकायत लगा रहा है मेरी यहाँ पे। रुको रुको एक मिनट, क्या तरीका है? अरे तुम पहले उसको इतना धो चुकी हो, और धोगी और पीटोगी उसे। धोने तो क्या, आरती उतारो इसकी। नहर पे मैं कपड़े धो रही थी, आसमान की तरह ऐसा कूदा, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए इसे। तुम्हें पीटू क्या? नहीं नहीं। अरे ये सब वो रुमाल की वजह से हुआ है। ये बेचारा तो ट्रेन में सफर कर रहा था और इसके मुंह पे आके एक रुमाल चिपक गया। अब इसको जाना था ट्रेन के दरवाजे से अंदर, ये बाहर निकल लिया। बाहर निकला तो नहर के वहां से निकल रही थी ट्रेन, तो वहां गिर गया तुम्हारे, जहाँ तुम कपड़े धो रही थी तुम्हारे सामने आके। तुमने गलत समझ लिया इसको, सूद दिया बेचारे को। इसने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, ये तो ऐसे गिर गया वहां से, हादसा था वो, कोई ऐसे जानबूझ के पिटेगा क्या इतना वहां पे आके? Well, धोबंस, कहाँ है वो रुमाल इज्दा? लप्पी की है मस्त मस्त चाल इज्दा। ओ दादाजी, सॉरी, रुमाल तो मेरे गले में, लेकिन है ना धोबन बोलना मत मुझे, मैं हूँ रेनू टकाटक, कपड़े धोती हूँ चकाचक, ये रहा। हाँ तो दो 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 जरा रुमाल दो। मेरे पास टाइम नहीं है, निकाल लो। ओह माय गॉड, मिल गया, मिल गया रुमाल, मिल गया। अब तो केस सॉल्व हो जाएगा, अब रुमाल मिल गया, अब तुम पीटो पीटो जो कर रहे करो। हमारा क्या जाता है? अरे भाई जाओ जाओ, वो मारो जो आता है यहां पे। कपड़े की तरह धोती हूं तुझे, रुक। क्यों आते हो ऐसे कंप्लेंट लिखाने? ले लो, क्यों आते हो यहाँ?
लिखाने। अरे ये कपड़े रह गए उसके। देख कुछ काम का है क्या? वही ना, मैं देख लूं। ये कभी पुजारी बन के कहीं जाएंगे ना केस सॉल्व करने, तो ये पहन लेंगे। ले जाओ ले जाओ, शौक है ना कपड़े पहनने का। रुमाल तो मिल गया। वाह 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 वाह, हमारे शाहरुख, सलमान और गोविंदा। अरे भाई क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट जॉब, वेल डन। थैंक यू मिस्टर चौटाला। बाप बेटे भी खुश और कमिश्नर साहब भी खुश। केस सॉल्व। मैडम 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 मैडम, अरे मैडम ये क्या हो रहा है टेंशन में? अबे अब क्या, अबे अब क्यों आया हो? अरे होना क्या था साहब जी, अब देखिए ये जो है अपनी बेटी की शादी जो है हमारे बेटे के साथ कर ही नहीं रहे टेंशन में, जबकि हमारा खानदानी रुमाल जो है वो मिल चुका है। अबे खानदानी रुमाल का ये शादी से क्या रिलेशन है? अरे मैडम हम बताते हैं, गोल दाग दूंगा गली में। दरअसल मैडम हमारा नाम है घटोत्कच गुलाटी और ये हमारी बेटी गोरी गुलाटी। दरअसल मैडम इनके बेटे और हमारी बेटी की शादी बचपन में तय हो गई थी और शर्त ये थी जब ये बड़े होके फेरे लेंगे तो इनका खानदानी रुमाल और हमारी खानदानी धोती आपस में बांध के फेरे लेंगे। लेकिन मैडम मुहूर्त आया, हम इंतजार करते रहे और ये लोग आए नहीं, गोल दाग दूंगा गली में। अरे जाता कैसे मैडम, जब रुमाल हमको मिला तब हम इनके पास गए लेकिन इन्होंने शादी के लिए मना कर दिया टेंशन में। अरे नहीं नहीं मैडम, मैडम हम बड़ी पर्टिकुलर टाइप के आदमी हैं। अरे जो लड़का अपना खानदानी रुमाल नहीं संभाल सकता वो हमारी खानदानी बेटी को कैसे संभालेगा, गोल दाग दूंगा गली में, इसलिए अब ये शादी नहीं होगी। अरे मैडम एक रुमाल की वजह से शादी कैंसिल हो रही है, काश काश वो रुमाल कभी गंदा ही ना हुआ होता, काश वो रुमाल कभी धोने गया ही ना होता, काश उसको सुखाने के लिए ट्रेन के दरवाजे पर खड़े ना हुए होते, काश किसी ने अगली बोगी से चाय ना उछाली होती और वो चाय आके इनके मुंह पर ना पड़ी होती, काश। मैं तो थक गया हूँ जी इस केस से। गेट आउट। देखिए जो हुआ ना उसमें ऐसा कोई दोष है ना, एक महिला जिसने चाय फेंकी थी हमने उसको अरेस्ट कर दिया है। नहीं नहीं साहब अब ये शादी नहीं हो सकती, गोल दाग दूंगा गली में, चलो बेटी। पापा हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है भैया, अगर तो ये जो रुमाल है तुम्हारा खानदानी अगर इतना इम्पोर्टेंस रखा है तुम्हारे फैमिली में कि उसी को बांध के फेरे वेरे भी होंगे तो इतना कैसा गंदा हो गया कि ट्रेन में धोने की नौबत आ गई और सुखाने की? फूट ले। हाँ बोल रहे ना। एक्चुअली मैडम बात ये हुई कि ट्रेन में हमें भूख लगी तो हमने पापा से कहा कि साथ में जो पूरी और अचार लाए हैं हम लोग खा लेते, तो पापा ने पूरी और अचार निकाले और हम लोग खाने लगे। उतने में सामने एक यंग लड़का बैठा था, उसने कहा कि क्या अंकल अकेले अकेले पूरी खाई जा रही है, अचार खाया जा रहा है, हमें भी पूरी अचार दे दो। तो फिर पापा ने अचार दिया तो उस लड़की के हाथ से वो अचार का डब्बा गिर गया और रुमाल पे गिरा और रुमाल गंदा हो गया, तो विद इमीडिएट इफेक्ट हमें वो रुमाल धोने जाना पड़ा और सुखाने जाना पड़ा चिंता में। पापा अचार का डब्बा गिर गया या गिरा दिया गया, वो जरा टीसी पीसी को बुलवाओ, जरा पता तो लगाए इनकी सामने वाली बर्थ पे बैठा लौंडा है कौन, अचार का दीवाना। पापा टीसी पीसी नाम है हमारा, चाय एकदम कॉफी है, जिंदगी टॉफी है। पापा आपने हमें याद किया। वो भैया इसलिए याद किया कि अपना चार्ट खोलिए और बताइए कि उस दिन चिंतित चटर्जी के सामने वाली बर्थ पर कौन बैठा था। हाँ अभी बता रहे थे, आपका बर्थ नंबर क्या था सर? 2324। 2324 एक मिनट,
23-24 तो इनके बर्थ के सामने वाली सीट में एक मोहतरमा बैठी थी जिनका नाम है शबनम, और सब उसे शब्बो कहते हैं। देखिए ये बात नहीं पता है मुझे, चाय एकदम कॉफी है, जिंदगी टॉफी है। अरे नहीं नहीं झूठ, अरे हमारे सामने बैठी नहीं बल्कि बैठा था टेंशन में। अरे यार हाँ पापा, मतलब कि वो एक लड़का था चिंता में। वेल इससे पहले हो जाए टू मच इज द, जल्दी जल्दी बोल दो सच इज द। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं डैडी बता दो, वही बता दो ना, छोटी छोटी बात पर पता नहीं आजकल गोलियां क्यों चलानी पड़ती हमको। एक मिनट, याद आया वो भूल गया था सर, याद आया कि वो दरअसल बात ये हुई कि उस दिन वो शबनम जो है वो ललितपुर स्टेशन से चढ़ने वाली थी ट्रेन में, लेकिन वो झांसी तक चढ़ी नहीं, तो फिर एक दूसरा लड़का आया, उससे मैंने 200 रुपये लेके वो सीट में बैठा दिया, 300 रुपये बैलेंस रह गए थे, उसके घर जाके पिकअप करने थे। घूस तो ये बात है, अब जरा उसका आता पता ठिकाना हमें भी बताना। ये तो अच्छा हुआ घर जाने के लिए उसका आता पता ले लिया था, है मेरे पास। बताइए बताइए है कहीं लिखा हुआ पापा। चलो 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 आओ आओ आओ। मैडम 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 यही है वो लड़का मैडम। मैडम मैडम यही था वो आचार गिरा हो चिंता में। क्यों गिराया था ना अचार रुमाल पे? रुमाल पे अचार गिरा के उसे गंदा करने के पीछे थारा रीजन के था, जल्दी बोल। मैडम मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, नैनीताल में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, साथ साथ भोपाल में, लेकिन इनके माँ बाप ने इन दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी नेपाल में, और अब ये लड़की जवानी में मुझसे प्यार करने लगी है भीमताल में। हाँ मैडम, मैंने ही घोचू को इन लोगों के बारे में और रुमाल के बारे में बताया था, घोचू बड़ा स्वीट है। हट घोचू। हम बता दें तुम्हारे स्वीट घोचू ने क्या किया, इसने जानबूझ के रुमाल खराब किया, फिर जब तुम धोकर दरवाजे पर ट्रेन के दरवाजे पर रुमाल सुखा रहे थे तो ये बड़ा शाना बन के दूसरे बोगी में चला गया, वहां से खिड़की से इसने गरम चाय फेंकी तुम्हारे मुंह पर, और जैसे तुम्हारे मुंह पर गरम चाय लगी रुमाल तुम्हारे हाथ से छूटा। एम आई करेक्ट स्वीट लिटिल घोचू? यस सर। ऐसा है, शर्म तो माँ बाप को आनी चाहिए तुम लोगों को, जो अपने बालकों की शादी जो है बचपन में फिक्स कर दे में। ना इतना भी ना सोचते कि आज के जमाने में बालक बड़े होंगे उनकी अपनी चॉइस होगी, ना अपनी जो है थोप लो बालकों पे और इस तरह से फिर क्राइम करने पे मजबूर हो जा में। वाँ 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 वाँ। पापा अभी ये कौवा पना बंद कीजिए और मेरी बात है ना कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक और लड़की पसंद है। ये तो मैं आपके डर की वजह से बोल नहीं पा रहा था आपको चिंता में। वेल जबरदस्ती शादी करने से कभी खुश नहीं रहेंगे आपके बच्चे इज्दा, इनकी शादी करवा दो बन के इंसान सच्चे इज्दा। दादाजी अब आप चिंता बिल्कुल मत करिए और मैं अपनी भूल सुधारता हूँ, और अपने बेटे की शादी जो है अपने दोस्त की बेटी के साथ ना करके मैडम जी मैं अपने बेटे की शादी वहां करूंगा जिस लड़की से हमारा बेटा प्यार करता है। yes! टेंशन में पापा। मैडम गलती हम दोनों की है तो इसे सुधारेंगे भी हम ही, अब मेरी बेटी घोचू की ही दुल्हन बनेगी। वाह जिसने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.